माइनक्राफ्ट में क्रिएटिव मोड यूज करने से कहीं ना कहीं किसी सर्वर या वर्ल्ड को बहुत दिक्कत होती है, और शायद क्रिएटिव मोड यूज करने से हीरोब्रेन एसएमपी भी बंद हो गई। हीरोब्रेन एसएमपी के बारे में हम लोग वीडियो के बीच में बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं हिमलेट्स के बारे में। यू नो दैट हिमलेट्स एक स्टोरी बेस्ड एसएमपी है, और जहां पर स्टोरी होती है वहां पर क्रिएटिव यूज करना ही पड़ता है, क्योंकि बिना क्रिएटिव के स्टोरी क्रिएट ही नहीं हो पाएगी। वेल लोग क्रिएटिव तो यूज करते हैं, लेकिन वीडियो में उसे छिपा देते हैं, जिससे कि वीडियो एकदम रियल लगती है, लेकिन कहीं ना कहीं वीडियो में एडिटिंग के टाइम गलती से ये सब छूट जाता है और उसे देखकर व्यूअर्स लोगों को हेट देने लगते हैं। इसीलिए किसी को हेट देने की कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर मैं बस दिखाने वाला हूँ कहाँ पर स्मार्टी बाय ने क्रिएटिव यूज किया था, बस उसे देखो और एंजॉय करो। मैं तो सोच रहा हूँ गाइस कि अगर प्रोटेक्शन 4 के साथ बंदा हमको टू शॉट कर सकता है तो मिनिमम प्रोटेक्शन 100। यहाँ पर स्मार्टी बाय ड्रीम बॉय के साथ किसी एंड के एडवेंचर में आए हैं। अब ये कहाँ का सीन है ये तो पता नहीं, लेकिन यू कैन सी यहाँ पर ड्रीम बॉय हवा में उड़ रहा है, जो कि विदाउट क्रिएटिव इम्पॉसिबल है। ये जगह एंड नहीं बल्कि एक प्रिजन है, जहाँ पर इन लोगों को होगा लाने भेजा है। ओके, अब यहाँ से आगे कुछ और ही गड़बड़ है। मैं तो बोलूंगा आपको कि ये ऑब्सिडियन पे भी कदम मत रखना भाई, ठीक है ना, ये भी कुछ ना कुछ लोचा होगा। यू कैन सी यहाँ पर चार चार स्ट्रक्चर ब्लॉक दिख रहे हैं, जो कि क्रिएटिव से ही आते हैं, और वो भी कमांड के बाद दिख रहा है। मैं उसको दूरी मारने वाला हूँ। मर गया, यस, दो स्केलेटन खत्म हो चुके हैं। अरे वहाँ पर एक और बंदा है, वहाँ पर एक और बंदा है, बहुत दूर है, आप दूर रह जाओ, मैं उसको दूर से मारूंगा। अब इस वाले क्लिप में स्मार्टी भाई और ड्रीम भाई बहुत सेम लगा रहे होते हैं, और यहाँ पर अभी फिलहाल स्मार्टी भाई का फूड बार कम है, बट आफ्टर सम सेकंड यहाँ पर फूड बार फुल हो जाता है। अब आप लोग ये वाली क्लिप देखो, डायमंड्स के साथ है तब भी यहाँ पे सेटिस्फाइड है, आयरन के लिए सेटिस्फाइड नहीं हो गया बंदा। मैं फटाफट गाइस एक आयरन फार्म बना के आता हूं उसके लिए। ऑल राइट गाइस, चेक दिस आउट, यहां समुद्र के किनारे मैंने यहां पर एक बढ़िया सा आयरन फार्म बना दिया, थोड़ी देर से लेके मैं टेस्ट कर रहा हूं इसको, एंड चेक दिस आउट, ये बहुत ज्यादा ऑसम काम करता है, बहुत ही ज्यादा ऑसम। यहाँ पर स्मार्टी भाई का इन्वेंटरी आयरन फॉर्म बनाने से पहले जैसे ही है वैसे ही बाद में भी है, इन्वेंटरी में थोड़ा सा भी कुछ नहीं बदला और पूरा का पूरा आयरन फॉर्म खड़ा हो गया। अब इस वाली क्लिप को देखो, थोड़ी सी यू नो सोचने वाली बात है, वहाँ पीछे एक क्राफ्टिंग टेबल दी हुई है, अब इस क्राफ्टिंग टेबल को मैं तोड़कर यहाँ पे डाल सकता हूँ, बट क्राफ्टिंग टेबल मेरी इन्वेंटरी पे आएगी नहीं, तो बहुत ही बड़ी बेवकूफी हो जाएगी मेरे से अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश करूं। मुझे लग रहा है गाइस ये हो जाएगा, 9 बच्चे और सिर्फ 3 बच्चे इससे हो जाएगा ये, आई एम प्रीटी मच श्योर। ओह माय गॉड, आखिरी वाला चेस्ट मेरी आंखों के सामने गया अभी यार, क्या है स्मेल्ट हो, अच्छा मैं चेस्ट डाल के रखता हूं अब तो स्मेल्ट हो जाएगा, कोई बात नहीं भाई। Oh my God, भाई परफेक्टली कैलकुलेटेड सामान दिया हुआ भाई इस मैप के अंदर हम लोगों को, बच गया भाई मैं, ये SG बहुत ज्यादा चालू आदमी है। यहाँ पर स्मार्टी भाई 3 आयरन पिघलाने के लिए एक चेस्ट रखते हैं, जबकि एक चेस्ट से हम लोग सिर्फ 2 आयरन पिघला सकते हैं। कुछ देर बाद स्मार्टी भाई अपने चेहरे पर जूम इन करते हैं और जूम आउट करते ही वहाँ पर दोबारा से फुल हो जाता है फ्यूल। अब ये वाली क्लिप तो एकदम लेटेस्ट वाली, जिसे ज्यादातर लोग तो जानते ही होंगे। यहाँ पर ड्रीम बॉय और स्मार्टी भाई जा रहे होते हैं क्वीन जैस्मिन के कैस्टल में, और बोर्ड में बैठकर स्मार्टी भाई अपनी इन्वेंटरी ओपन करते हैं, जो कि क्रिएटिव की इन्वेंटरी होती है, और ये सीन सिर्फ कुछ पल के लिए ही था। अब ये वाली क्लिप देख लो, और फिर यहाँ का पानी भर के मैं उस बंदे के लिए लेके जाने वाला हूँ, वो बंदा बहुत ज्यादा खुश रहेगा। अरे बाप रे, यहाँ के एंडरमैन तो देखो हवा में उड़ रहा है ये बंदा। यहाँ पर स्मार्टी भाई क्रिएटिव यूज करने के बाद कुछ ज्यादा ही मगन हो गए थे और भूल गए एकदम, और यहाँ पर एक दो सेकंड के लिए ही नहीं बल्कि कुछ ज्यादा ही टाइम के लिए क्रिएटिव मोड था। बाय द वे ये वो वाली जगह है जहाँ पर क्वीन जैस्मिन ठीक हुई थी। वेल गाइस देखो, जब हिमलेट्स में कोई भी मरता है तो दूसरी जगह पर स्पॉन होता है, जबकि वो दूसरी जगह भी हिमलेट्स के अंदर ही नहीं कोई दूसरा वर्ल्ड है। वेल ये वाली क्लिप देखो, बाहर निकलना पड़ेगा, मैं हूँ कहाँ पे भाई, मैं तो देखना देख पाई। ओ यहाँ पर दिख रहा है कि डे जीरो लिखा है। अब ये तो मुझे नहीं पता कि मरने के बाद यहाँ पर वर्ल्ड जो है डे जीरो लिख उठता है, इसीलिए आप लोग ये वाली क्लिप देखो भाई। यहाँ तो बिजनेस चला रहे हो क्या यार, मतलब भाई इनका काम करो। आइडिया मैन, सुनो मेरे को फटाफट एंडरमैन ढूंढ के आता हूँ मैं, ठीक है ना भाई, दस आपको बचाने के लिए। ऑलराइट गाइस, पूरी की पूरी 4 एंडर पर्ल्स मैं निकाल चुका हूं, आराम से चलते नीचे के लिए। आप अपने ड्रीम बॉय को बचा कर मैं लेके जाने वाला हूँ घर के लिए। यहाँ पर स्मार्टी भाई एंडरमैन को मारकर चले आते हैं, लेकिन उनकी एक्सपी थोड़ी सी भी नहीं बढ़ती है। अब यहाँ पर अगर मेंडिंग वाला आर्मर है तो वहाँ पर आर्मर के पास भी कुछ एक्सपी जाती है और इंसान को भी कुछ एक्सपी लगती है, बट यहाँ पर स्मार्टी भाई की एक्सपी थोड़ी सी भी नहीं बढ़ती। वेल स्मार्टी भाई एक वन चेस्ट ब्लॉक वाली वीडियो अपलोड करते हैं, जिसमें वे अपना बेस बना रहे होते हैं और वहाँ पर क्रिएटिव यूज कर लेते हैं, बाकी वहाँ पर क्या होता है आप लोग खुद ही देख लो। इधर से बाहर चलते हैं इधर के लिए, ठीक है ना, और यहाँ पर एटलीस्ट अपने लिए छोटा सा घर बना लेता हूँ, है कि नहीं, एटलीस्ट घर ही बन जाए। नेक्स्ट क्लिप है स्मार्टी भाई के हिमलैंड सीजन 1 से, जहाँ पर स्मार्टी भाई को कुछ ज्यादा पता भी नहीं था माइनक्राफ्ट के बारे में। बाकी इस क्लिप में क्या होता है इसे राजद भाई ने अपनी वीडियो में बताया है कायदे से। अब गाइस स्मार्टी भाई एक आयरन फार्म बनाते हैं और बहुत दूर से उस फार्म में विलेजर्स को लेके आते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी उनके विलेजर के पास चला जाता है और वो एक विलेजर को मार देता है। खैर ऑफलाइन जाके स्मार्टी भाई एक और विलेजर को ले आते हैं, लेकिन फिर से उनका एक और विलेजर एस्केप कर जाता है और गुस्से में आके स्मार्टी भाई उस विलेजर को किल कर देते हैं। फिर एक कट आता है और स्मार्टी भाई कहते हैं कि बचे हुए 2 विलेजर्स ने एक बिग विलेजर को स्पॉन कर दिया है और आयरन गोलम को मारने ना जाए बस। अब
यू नो गाइस सीरियसली मैं अभी ना यहाँ पे तीसरे विलेजर को ऊपर लेने के लिए जा रहा था, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपने आप ही स्पॉन कर दिया। मुझे अभी एक चीज पता चली है कि जो इसके मैकेनिक से कैसे काम करता है, अगर यहाँ पर एक तीसरा बेड अकेला होगा ना, मतलब खाली होगा, तो ये अपने आप ही ब्रीडिंग कर। अब स्मार्टीफाई का यहाँ कहना है कि थर्ड विलेजर्स इन दोनों विलेजर्स ने स्पॉन किया है। तो सबसे पहली चीज विलेजर बेबी विलेजर को स्पॉन करते हैं जो इन होल से इजीली एस्केप कर जाते हैं, और बेबी विलेजर्स को ग्रो होने में एक दो दिन का टाइम तो लगता ही है, लेकिन आप लोग देख सकते हैं स्मार्टीफाई का हेल्थ बार और फूड बार दोनों सेम है। स्मार्टीफाई एक वीडियो अपलोड करते हैं माइनक्राफ्ट यू जंप यू बर्न, जिसमें स्मार्टीफाई को स्लैब बनाने के लिए लकड़ियां कम पड़ जाती है, और इसीलिए स्मार्टीफाई क्रिएटिव में जाते हैं और वहां से स्लैब ले लेते हैं। बट वहां पर उन्हें ओक वाला स्लैब लेना था, लेकिन उन्होंने पेट्रीफाइड ओक स्लैब ले लिया, जिससे लोगों को ये पता चल गया कि यहाँ पर क्रिएटिव यूज हुआ है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं हीरो ब्रायन एसएमपी के बारे में। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हीरो ब्रायन एसएमपी क्रिएटिव मोड की वजह से बंद हुई है, तो इस बात में कोई ना कहने की बात नहीं है, क्योंकि देखो शुरुआती दौर में वहाँ पर कादे सर्वाइवल गेम प्ले चल रहा था, लेकिन उसके बाद सर्वाइवल गेम प्ले स्टोरी मोड की तरफ रुख ले लेता है। देन सारे के सारे लोग क्रिएटिव मोड यूज करने लगते हैं, जहाँ पर सबसे ज्यादा अज्जू भाई क्रिएटिव मोड यूज कर रहे थे, जिसे लोगों ने बहुत बार नोटिस किया था, और इससे जो है गेमर्स की इमेज खराब हो रही थी, जिस वजह से इन लोगों ने हीरो ब्रायन एसएमपी को बंद कर दिया। बाकी जो लोग कह रहे हैं कि सारे लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे, तो देखो इसमें व्यूज भर भर के आते थे, और कहीं ना कहीं ज्यादातर लोगों का इसी वजह से बूस्ट भी हुआ था चैनल। तो आखिर क्यों नहीं कोई आना चाहेगा इसमें? पहले मैंने भी एक पब्लिक सर्वर बनाया है, जिसका आईपी और पोर्ट तुम लोगों को दिख रहा होगा, जाकर ज्वाइन कर लो, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। बाद में मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।